नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco F6 Pro 5G वर्सेस Infinix GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F6 Pro में 6.33 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F6 Pro में 2.95 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F6 Pro में 209 ग्राम जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F6 Pro में फ्लो AMOLED जबकि GT20 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F6 Pro में 6.67 इंचेस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F6 Pro में 1440x3200px QHD+ और GT20 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F6 Pro में 89.09% जबकि GT20 Pro 5G में 88.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F6 Pro में 526 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F6 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F6 Pro में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F6 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT20 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F6 Pro में Adreno 740 जबकि GT20 Pro 5G में Mali-G 610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F6 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है। बात करें RAM की तो F6 Pro में 12GB की RAM मिलती है जबकि GT20 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F6 Pro में 2 कलर्स जबकि GT20 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
F6 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 40,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F6 Pro आगे है, मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F6 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S24 5G है, दूसरा गूगल पिक्सल 8a 5G है, तीसरा मोटरोला H50 फ्यूजन 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।